आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संस्कृत खंड का जो प्रथम पाठ है वाराणसी आपकी हिंदी की पाठ पुस्तक में। और इस पाठ का जो श्लोक यहाँ पर आप देख सकते हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम शाह काशी केन मियते। और इस श्लोक का हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे और साथ ही इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपने इस पाठ का पहला गद्यांश वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, दूसरा गद्यांश वाराणसस्य प्राचीन कालादेव गेहे गेहे और तीसरा गद्यांश ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति और चौथा गद्यांश इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इन गद्यांशों का हिंदी अनुवाद से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आपको इस पहले पाठ यानी वाराणसी पाठ के संपूर्ण गद्यांशों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा और आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सह काशी केन मियते। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? इसका संदर्भ बिल्कुल आसान है, प्रस्तुत श्लोक। ये क्या है, गद्यांश है या पद्यांश है, कुछ नहीं है, यह क्या है, यह एक श्लोक है। इसलिए आप संदर्भ के अंतर्गत क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत जो श्लोक है यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के किस पाठ से है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। और इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ भस्म आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम सह काशी केन मियते, और जहाँ लंगोटी रेशमी होती है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी होता है और जहाँ पर भस्म लगाना वहाँ की परंपरा है या भस्म लगाना वहाँ का आभूषण है, और जहाँ पर लंगोटी किसकी होती है, रेशमी होती है, और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालना है आपको हिंदी अनुवाद, फिर आपको लिखना है जहाँ मरना कल्याणकारी है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ भस्म आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम शाह काशी केन मियते, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ लंगोटी रेशमी होती है, कैसी होती है, रेशमी होती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो इस तरह से आप इस श्लोक का आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं और हिंदी में अनुवाद भी लिख सकते हैं। और इस श्लोक को आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक श्लोक भी लिखना होता है जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित होते हैं, और आपको श्लोक वही लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में या पेपर में ना आया हो। इसलिए आपको 2 श्लोक पहले से ही याद कर लेना चाहिए, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सह काशी केन मियते।
तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने विचारों को हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। हम आपके कमेंट्स का हर संभव जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे और आप चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। जय हिंद।